Welcome back to Mummy Ka Magic. Christmas means Christmas cake, right? Christmas cake is what? The yummy plum cake. Let's make pear and plum cheesecake. Ye raha the plum cake that I was talking about. Agar aap ghar mein nahi banana chahte hain, to bazaar mein bhi aasani se ye available hai. You can just buy it. Main le rahi hoon kareeb 2-3 slices. And I'm going to mash it with my hands. And uske baad, main lungi thoda sa butter. And I'm going to add it to this plum cake. इसे अच्छे से हम mash कर लेंगे. ये है एक cheese cake tin जिसके base को मैंने पहले से ही silver foil के साथ cover कर दिया है. तो चलिए अब ये जो plum cake का हमने mixture prepare किया है, उसे यहाँ इस तरह से हम base पे लगा देंगे. इस base को हम smoothen कर देंगे, flat कर देंगे. और फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये सेट हो जाए. अब हम लेंगे एक बड़ा बोल और उसमें हम डालेंगे क्रीम चीज. फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा कंडेंस मिल्क. अब हम लेंगे एक विस्क एंड वी आर गोइंग टू क्रीम दिस. अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस. इसमें हम फोल्ड कर देंगे व्हिप्ड क्रीम. जी हाँ, जैसा हमने पहले किया था, we are going to use 1/3 of the whipped cream first. उसे अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे. And then we are going to fold in the rest of the whipped cream. Okay, lovely. This is done. बस अब इसे हमें सेट करने के लिए फ्रिज में रखना है. उसके लिए हमें लेना होगा थोड़ा सा जेलेटिन, जिसे मैं एक अलग बोल में लूंगी थोड़ा सा जेलेटिन. आई एम गोइंग टू मिक्स इट विद अ लिटिल बिट ऑफ दिस मिक्सचर एंड फिर हम ये पूरे मिक्सचर में इसे मिला देंगे. नाउ वन नाइस एंड फाइनल मिक्स. ओके, अब हम लेके आते हैं हमारा चीज केक टिन जिसके अंदर हमने प्लम केक को सेट होने के लिए रखा था. लवली, इट्स नाइस एंड कोल्ड एंड सेट. अब यहां रख के हमारा ये चीज केक का मिक्सचर हम पोर कर देंगे. नाउ वी आर गोना गिव इट अ स्लाइट टैप और अब इसे रख देंगे फ्रिज के अंदर करीब 4-5 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए. ओके, चलिए तब तक अपना काउंटर वाउंटर क्लीन कर लो, सफाई कर लेती हूँ एंड सी यू एट द मदर्स कॉर्नर. ओके, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम सरिता जो हरियाणा से लिख रही हैं. कहती हैं, आई हैव हर्ड दैट जैगरी इज बेटर देन शुगर बट इट्स नॉट दैट स्वीट. तो अगर मुझे गुड़ यानी कि जैगरी इस्तेमाल करना है तो मुझे कितना गुड़ लेना पड़ेगा टू रिप्लेस 1 tablespoon ऑफ शुगर. अगर आप 1 tablespoon शुगर को रिप्लेस करना चाहते हैं गुड़ के साथ, तो बेसिकली 1 बड़ी चम्मच शुगर को आप रिप्लेस करेंगे 1 1/4 या 1 1/2 चम्मच गुड़ के साथ. ओके, चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है फ्रॉम फिजा जो लखनऊ से लिख रही हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे अपने खाने में तेल कम करना है पर मेरे बच्चों को पूरीज काफी पसंद है, तो क्या आप ऐसी कोई टिप दे सकते हैं जिससे मैं पूरी कम तेल में बना पाऊँ. आप पूरियों को बेल लीजिए, फ्रिज में थोड़ी देर रख लीजिए, उसके बाद उन्हें फ्राई कीजिए. वो कम तेल भी लेंगे और ज़्यादा क्रिस्पी भी होंगे. ओके, सो विद दैट लेट्स गेट बैक टू आवर कुकिंग. तो चलिए, इट्स नाउ टाइम टू फिनिश अप आवर पेयर एंड प्लम चीज केक. प्लम केक हो गया, चीज केक बन गया और अब करेंगे पेयर्स के साथ कुछ मैजिक. तो हम लेंगे ये USA pears जिसमें ये स्टिकर है विच इज अ साइन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ग्रेट क्वालिटी. उसे निकाल के हम अच्छे से धो लेंगे एंड देन वी आर गोना यूज इट. USA pears पूरे साल अवेलेबल होते हैं एंड दे आर अवेलेबल इन 2 colors ग्रीन एंड रेड. अब इसे काट लेंगे. दीज pears हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज मेकिंग इट अ ग्रेट सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी. हम इसके थिन स्लाइसेस कर लेंगे. ये हो गए.
हमारे थिन स्लाइसेस ऑफ पेज तैयार। अब हम क्या करेंगे, अब लेके आते हैं हमारा चीज केक जो सेट हो गया होगा। नाइसली सेट। अब हमें इसे डीमोल्ड करना है, राइट? तो इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज अ ब्लो टॉर्च। इसके हीट को एडजस्ट कर लेंगे। अब इसे खोलेंगे एंड लेट्स होप दैट इट विल गेट डीमोल्डेड इजिली। यस, ओके, लवली। अब जो हमने सिल्वर फॉइल लगाया था ना पहले, अब वो काम में आएगा। इसे खोल लेंगे हम। वी गोना जस्ट टेक इट आउट लाइक दिस एंड फिर नीचे से हम ये सिल्वर फॉइल निकाल लेंगे। देयर यू गो, प्लेस दिस जेंटली ऑन दिस प्लेट। अब ये जो पेयर के स्लाइसेस हमने बनाए थे उसको इस तरह से हम लगा देंगे। अब हम लेंगे एक और स्लाइस प्लम केक का एंड ये क्रिसमस ट्री का मोल्ड मेरे पास है। यस, वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वी आर गेटिंग रेडी फॉर क्रिसमस, राइट? कट करके वी आर गोइंग टू मेक अ ब्यूटिफुल क्रिसमस ट्री एंड हम लगा देंगे इसे। देन सम स्टार्स and some silver decoration, edible decoration, sprinkle it on our cheesecake. And finally, ye edible nahi hai, ye hai mere Agastya ko excite karne ke liye. So we're just going to throw these decorations all around for the yummy Christmassy feel. And here you go, our pear and plum cheesecake is ready. पेयर एंड प्लम चीज केक बनाने के लिए एक छोटा स्प्रिंग बॉटम चीज केक टिन को एल्यूमिनियम फॉइल से लाइन कर ले। फिर 2 से 3 प्लम केक के स्लाइसेस को क्रम्बल करें और एक बोल में रखें। उसमें डालें मक्खन और अच्छे से मिलाएं। फिर टिन को इस मिश्रण से लाइन करें और सेट होने के लिए रेफ्रिजरेट करें। अब एक दूसरे बोल में क्रीम चीज लें, उसमें डालें कंडेंस्ड मिल्क और अच्छे से मिलाएं। फिर डालें वेनिला एसेंस और अच्छे से मिलाएं। फिर डालें व्हिप्ड क्रीम और 1/3 भाग और फोल्ड करें। फिर डालें बचा हुआ व्हिप्ड क्रीम और अच्छे से फोल्ड करें। अब एक बोल में जेलेटिन लें, उसमें डालें थोड़ा चीज का मिश्रण और अच्छे से मिलाएं। फिर इस जेलेटिन क्रीम के मिश्रण को बचे हुए चीज के मिश्रण में डालें और अच्छे से मिलाएं। अब लाइन किए हुए टिन में इस चीज क्रीम के मिश्रण को डालें और फैल कर हल्के से थपथपाएं और 4 से 5 घंटों तक या सेट होने तक रेफ्रिजरेट करें। अब पैर के ऊपरी और निचले हिस्से को निकाल दें और बचे हुए पैर को आधा करके पतले स्लाइस काट लें। अब फ्रिज में से चीज केक निकालें और कोनों को एक ब्लू टॉर्च की मदद से गर्म करके चीज केक को डीमोल्ड करें। एल्यूमिनियम फॉइल को हल्के हाथों से निकाल दें और चीज केक को एक सर्विंग प्लेटर पर रख दें। फिर स्लाइस किए हुए पैर से एक फैन बनाएं और चीज केक के एक तरफ लगा दें। बचे हुए प्लम केक को मध्यम आकार से क्रिसमस ट्री कुकी कटर से काटें और चीज केक के ऊपर रख दें। फिर एडिबल सिल्वर बॉल्स और एडिबल स्टार से सजाएं और परोसें।